टोक्यो ओलंपिक खेलों के महाकुंभ से इस समय एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। भारत की स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु हार गई हैं, लेकिन देश को अभी भी उनसे ब्रोंज मेडल की उम्मीद है। भारत की पीवी सिंधु ने गोल्ड मेडल की उम्मीदें थी, लेकिन हारने के कारण गोल्ड की उम्मीदें टूट गई। भारतीय बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु को महिलाओं के सेमीफाइनल में चीनी ताइपे के खिलाड़ी ताइजू यिंग से 2-0 से हार का सामना करना पड़ा। इस हार के बाद देश की गोल्ड की उम्मीदें भी टूट गई। पीवी सिंधु भारत की शानदार खिलाड़ियों में से एक हैं। पहले दौर में पीवी सिंधु ने प्रभावी प्रदर्शन करने की कोशिश करते हुए अपने विपक्षी खिलाड़ी पर दबाव बनाने की कोशिश की, लेकिन वह सफल नहीं हो पाई। दूसरे राउंड में हार कर चीनी ताइपे के खिलाड़ी से पिछड़ गई और हार का सामना करना पड़ा। पीवी सिंधु अभी भी मेडल की रेस में शामिल हैं। उनका अगला मैच चीन की खिलाड़ी से होगा और अगर यह मुकाबला पीवी सिंधु जीत लेती हैं तो ब्रोंज मेडल उनकी झोली में होगा। दोस्तों, भारत की बेटी पीवी सिंधु के अगले मैच के लिए ऑल द बेस्ट जरूर लिखें और लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।